नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के लिए कल वोटिंग होनी है और कल देर शाम प्रचार थम गया, लेकिन कानपुर में अखिलेश यादव के रोड शो की जो तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीरें भाजपा के खेमे में खलबली पैदा कर रही है, क्योंकि कानपुर एक ऐसा क्षेत्र है, औद्योगिक नगर कानपुर जो है वो कहा जाता है, और कानपुर में अखिलेश यादव के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी है और ये भीड़ अपने आप में तीसरे चरण के मतदान की पटकथा लिख रही है। तीसरे चरण के मतदान में क्या कुछ होगा, पिछली बार 2017 में क्या कुछ हुआ था, वो तमाम समीकरण आपको बताएंगे, ग्राउंड पर स्थिति क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए अखिलेश यादव के रोड शो में किस तरह से जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। अखिलेश यादव के इस रोड शो में, कानपुर में जो रोड शो था, इसकी जो भीड़ है वो अपने आप में बता रही है कि इस बार तीसरे चरण के मतदान में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, पहले चरण का मतदान, दूसरे चरण का मतदान, जहां जाटलैंड में जाटों और मुस्लिमों की वोटों के उस पे समाजवादी पार्टी का भविष्य टिका हुआ था, अब तीसरे चरण का मतदान जो है वो यादव लैंड में प्रवेश कर चुका है और यहाँ पर कानपुर से जो तस्वीरें सामने आई है वो अपने आप में कई सारे जो है वो सवालों का जवाब दे रही है कि आखिरकार तीसरे चरण के मतदान में क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने कहा है, साफ तौर पर अखिलेश यादव का ऐलान किया गया है, अखिलेश ने कहा है कि जिसको गरीब पर अत्याचार करना हो, गरीब के साथ में न्याय करना हो, कानून को जिसको नहीं मानना हो, कानून जो नहीं मानना चाहता हो, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दे, ये अखिलेश यादव ने कहा है। इस तरह से किसी नेता का वोट के लिए अपील करना कि ऐसे लोग हमको बिल्कुल वोट ना दे, ये अपने आप में दिखा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार के चुनाव को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट जो है वो नजर आ रहे हैं, उनका आत्मविश्वास कहाँ पर है। क्या जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें, क्योंकि इधर हमारे बाबा जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार के बारे में भी मुड़ के देखो, बताओ आईपीएस फरार है कि नहीं है? आईपीएस फरार है और एक व्यापारी को वसूली के नाम पर पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बताओ व्यापारी की जान गई थी कि नहीं गई? और आपने देखा है लखीमपुर जैसी घटना दुनिया में नहीं हुई होगी, कि जहां किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हों और जीप आकर के कुचल के चली जाए। सवाल अब ये उठता है कि एक तरफ अखिलेश यादव जो कि विपक्ष में रहे 47 सीट के साथ में 2017 में थे, लेकिन इस बार जिस तरह से ये कोरोना के चलते जो रोड शो रोका गया, रैलियों पर जो है रोकथाम लगाई गई, वहाँ पर उससे पहले भी जो है इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी और अब जैसे ही जो है उनका रथ दोबारा से चलने लगा है, रथ के पहिए दोबारा से चलने लगे हैं, एक बार फिर से जबरदस्त जो है भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, रात की जनसभा है, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और कुर्सियाँ जो है वो खाली पड़ी हुई है, ये भी आप देखिए। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो, इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है, ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टेयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान के लिए अगर वोटों का समीकरण, सीटों का समीकरण अगर देखें तो कल तीसरे चरण के मतदान के लिए 16 जिले की 59 सीटों पर चुनाव होना है और 2 करोड़ मतदाता कल वोट डालेंगे
और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कल तीसरे चरण के मतदान के लिए पश्चिमी यूपी के 19 सीटों पर चुनाव होगा। अवध में 27 सीटें हैं और बुंदेलखंड में 13 सीटें हैं। इसमें पश्चिमी यूपी में 5 जिले आते हैं, एटा, फिरोजपुर, मैनपुरी, कासगंज, हाथरस, जिसकी 19 सीटें हैं। वहीं अवध में कानपुर शहर, देहात, औरैया, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा के 6 जिले हैं, इनकी 27 सीटें बनती हैं। बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, इनकी 13 सीटों पर मतदान होना है और 10 तारीख को नतीजे आएंगे, सबको मालूम है। लेकिन ये जो कल तीसरे चरण का मतदान होना है जिसमें 59 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, इन 59 सीटों पर 2017 में क्या रहा था? 2017 में यहाँ पर बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया था। 2017 में 59 में से 49 सीटें बीजेपी जीती थी और मात्र 8 सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी सिमट करके रह गई थी, एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर बसपा जीती थी। अब की बार जो समीकरण दिख रहे हैं, जिस तरह से जो हवा बनकर के चली है पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद में, अब तीसरे चरण में दामोदर जो है वो पूरा का पूरा अखिलेश यादव पर आ गया है, क्योंकि जाटलैंड में जो है वो अब तीसरे चरण का मतदान जो है वो प्रवेश कर चुका है। वीवीआईपी सीट कौन कौन सी रहेंगी वो आपको बता देते हैं। कल जो है वो वीवीआईपी सीट अखिलेश यादव खुल जो है वो करहल से लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव की सीट बेहद वीआईपी सीट है, उनके सामने है एसपी बघेल, वो भी करहल से ही भाजपा के उम्मीदवार हैं। सतीश महाना योगी के मंत्री हैं भाजपा से, और असीम अरुण कन्नौज से हैं जो कि आईएएस अधिकारी इस्तीफा देकर के आए हैं, वो भी हैं। लुइस खुर्शीद फरुखाबाद से, वो भी कल उनका जो है उनके लिए वोटिंग जो है होगी, सलमान खुर्शीद के बेटे हैं। शिवपाल यादव है जसवंत नगर से, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। रामवीर उपाध्याय हैं भाजपा से, और हरिओम यादव सिरसागंज से भाजपा से। तो ये सारे जो है वो वीवीआईपी सीट है, लेकिन सवाल यही है कि तीसरे चरण का मतदान कल वोटिंग होनी है, 2 करोड़ मतदाता कल वोट करेंगे, आखिरकार 10 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? ये बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। अलग अलग विधानसभा में जाएंगे, अलग अलग लोगों से बात करेंगे, अलग अलग इलाकों में जाएंगे, क्या कुछ जनता का रुझान है वो आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल जिस तरह से जो रोड शो की तस्वीरें आई हैं वो अपने आप में रुझानों का जो है वो संकेत दे रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।